मोदी सरकार ने अपने 121 दिन के कार्यकाल में किसानों के लिए कई बड़े फैसले किए हैं, जिसका ब्यौरा शुक्रवार केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पेश किया। शिवराज सिंह चौहान की ब्यौरा पेश करने पर कांग्रेस ने तंज कसा है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने कहा कि सरकार केवल किसानों के उत्थान की बात करती है, मगर किसानों को आज भी उनकी फसल का सही दाम नहीं मिल पा रहा। उमंग सिंगार ने कहा कि सरकार के द्वारा अब तक सर्वे नहीं किया है, ऐसे में केवल सरकार झूठे वादे कर किसानों को छलने का काम कर रही है। देखिए, शिवराज जी मलाई खा के दिल्ली पहुंच गए। किसानों के नाम पे किसान का बेटा बोलते थे, वो दिल्ली पहुंच गए और किसानों मध्य प्रदेश से किसानों को भूल गए। अगर शिवराज जी चाहते किसानों के हितैषी है और इनकी बीजेपी हितैषी है, तो मैं सबसे पहले इनसे ये पूछना चाहता हूं कि आप सोयाबीन 20% क्यों खरीद रहे हो? आप देश का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक देश है, प्रदेश है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि एक एक दाना किसानों का सोयाबीन का जो जिसमें फसल का नुकसान हो गया, ऐसी स्थिति में आप ना उनको मुआवजा दे रहे ना सर्वे करा रहे। क्यों नहीं शिवराज जी केंद्र से आदेश जारी कराते कि हम एक एक दाना खरीदेंगे? शिवराज जी बता, क्या किसान का बेटा भूल गए वो? देखिए, आप जानते हैं कि अब मेरा एक निजी मामला था और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर निर्णय जो दिया आप सब जानते हैं, तो इस पर मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता हूं, क्योंकि देश में सर्वोच्च न्यायालय से कोई बड़ा न्याय का मंदिर नहीं है। बीजेपी के बोलने से क्या होता? भारतीय जनता पार्टी अगर नारी शक्ति की बात करती तो लाडली बहनों को 3,000 क्यों नहीं दे रही है? बताएं, 5,000 बोल के आ रहे हैं वहाँ पे कि बिना के अंदर मुख्यमंत्री 5,000 देंगे। अरे 1,200-1,250 से आप 3,000 रुपये आओ, कब दोगे? लाडली बहन बेचारी परेशान है, बताए। मुझे तो जानकारी मिली सरकार इस योजना को बंद करना चाह रही है, तो सरकार अपना वक्तव्य दे कि योजना चालू रहेगी और 3,000 कब मिलेंगे, बताए सरकार। कांग्रेस की जगह जगह आंदोलन प्रदर्शन हो रहा है, उमंग सिंगार की दूरी पर भी भाजपा नहीं। देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, सबके अपने कार्यक्रम होते हैं, जो भी पार्टी का कार्यक्रम रहा उसके अंदर हमेशा रहा हूँ, इस पर मुझे स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं है। और बीजेपी के कहने से नहीं होता, मैं तो यही कहता हूँ कि सरकार में आप हो, आपको किसान के लिए, आपको बहनों के लिए, आपको यहाँ के उद्योग के उद्योगपतियों के लिए, आपको यहाँ के युवाओं के लिए नौकरियों की, इस पर विचार मंथन करना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप से बात ही होगी। सब झूठी बात है। अगर ये एडवांस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो 4 दिन के अंदर 2 दिन के अंदर सेटेलाइट सर्वे होते हैं। तो मैंने विधानसभा में ये बात की कि तत्काल सर्वे कराए सरकार के पास क्या तंत्र नहीं है, क्या कलेक्टर नहीं है, रेवेन्यू के अधिकारी नहीं है? क्यों झूठी बात करते हैं? 2 दिन में सर्वे हो सकता है, सेटेलाइट से आप सर्विस लीजिए, तत्काल सर्वे करें और तत्काल उनको मुआवजे की बात करें। क्यों सरकार गुमराह कर रही है किसानों के, प्रदेश के? ये मैं कहना चाहता हूं कि मोहन सरकार अगर चाहती है, शिवराज जी चाहते हैं कि किसानों के हित में, तो तत्काल सर्वे करा के तत्काल उनके मुआवजे की बात करना चाहिए और एक एक दाना सोयाबीन का खरीदना चाहिए। नारी शक्ति अभियान को लेकर भाजपा लगातार, बिल्कुल, जैसे कल हमने इंदिरा गांधी फेलोशिप प्रोग्राम को यहाँ पर जारी किया, कई नई महिलाएं नई बहनें कांग्रेस से जुड़ रही है और आने वाले समय में 33% जो भारत सरकार बिल पारित हुआ है आरक्षण का, उसके अंदर आपको कई नई युवा चेहरा दिखेंगे और मध्य प्रदेश के अंदर एक हर जगह नई जगह एक झांसी की रानी दिखेगी कांग्रेस में। 100 भाई।